जब कुछ बनाने का दिल ना करे ना, तो बस कुकर में 2 सीटी लगाइए और जी भर के खाइए, पेट भर के मज़ा आ जाएगा। और आज की रेसिपी कोई नई तो नहीं है, लेकिन है बहुत मज़ेदार, आप बनाइए। तो मैंने कुकर में थोड़ा तेल 2 चम्मच डाल दिया, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और काली मिर्च, ये सब डाल दिया है। थोड़ा अदरक ग्रेट करके ले रखा, 3 हरी मिर्ची जो बीच से लंबा कट कर लिया है, और प्याज मैंने लंबा लंबा ही काटा है फ्रेंड, बारीक नहीं काटा है। तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं, अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़े से प्याज को खोने देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ये एकदम लाल हो जाए। तो आप देख सकते हैं हल्का ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मटर, और मटर भी इसको 1 मिनट तक भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमें सीटी लगाना है, तो ये मटर वैसे भी कच्चा नहीं रहेगा, पक जाएगा, तो बस 1 ही मिनट भूनना है। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक तो कर ही दिया करना अगर पसंद आती है तो। तो मैंने मटर को भून लिया है, अब इसमें डाल रही हूँ चावल जो धुल के मैंने भिगा के रखा था। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने जितना मटर डाला है उतना ही, मतलब ये 2 कटोरी मैंने चावल ले रखा है, 2 कटोरी मटर ले रखा है। तो आप किसी भी बर्तन से सेट कर सकते हो। और चावल की भी मैंने 1 मिनट भुनाई किया है, और इसके बाद डाल देती हूँ, जिस कटोरी में चावल नापा था उसी में 1 कटोरी भर के मैंने दही डाला, हल्का खट्टा है, अगर आप दही पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं करते हो तो स्किप कर सकते हो, इसकी जगह नींबू भी ले सकते हो। तो दही अच्छे से मिक्स करती हूँ, जिस कटोरी में मैंने चावल लिया था उसी कटोरी में 2 कटोरी चावल लिया था, 4 कटोरी पानी डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार, मतलब 1 चम्मच में नमक डाल दे रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल दे रही हूँ। ये सारा अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद अच्छी सी बॉईल आने देते हैं। तो ये देखिए बॉईल आ चुकी है, अब इसमें करते हैं हम ढक्कन बंद। तो बढ़िया से बॉईल आने के बाद ही ढक्कन बंद करिएगा, पहले मत करिएगा। और बढ़िया से ये देखिए अच्छे से मटर और ये हो गया है, मतलब अच्छे से बॉईल आ चुकी है। तो इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स किया और फिर ढक्कन बंद कर देती, और अब करेंगे इंतज़ार 2 सीटी आने का। 2 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे, गैस बंद करने के बाद फिर इंतज़ार करना है प्रेशर निकलने का, प्रेशर निकलने के बाद ही ढक्कन खोलना है, उससे पहले बिल्कुल चिल्ला रखा है, बढ़िया फ्रिज से निकालिए और 1 सीटी 2 सीटी लगाइए, बढ़िया से बन जाएगा। और आप देख सकते हो बिल्कुल बन चुका है, प्रेशर निकलने के बाद ही ढक्कन मैंने खोला है। तो ये देखिए चावल बिल्कुल पक चुका है, और अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, चावल भी एकदम खिला खिला रहेगा, इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ। और जो खड़े मसाले ये ऊपर ही आ गए हैं, तो इनका काम हो चुका है ख़त्म, तो इसको हम निकाल देते हैं सारे ऊपर जो हैं, तो इनको सारा निकाल देते हैं, और 1 मिनट के लिए घी डालने के बाद थोड़ा छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद फिर आराम से इसको चम्मच से ऊपर नीचे चावल कर, क्योंकि ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो ये चावल वैसे ही सेट हो जाएगा, और इसको चम्मच से नीचे ऊपर कर देंगे जिससे इसके जो भाप है वो निकल जाएगी और चावल खिला खिला रहेगा ज़्यादा टाइम तक। तो आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया से इसको नीचे ऊपर कर दिया है, और अब मैं कर लेती हूँ प्लेटिंग, ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी फ्रेंड्स, बहुत फटाफट से बन जाता है पुलाव, तो आपको पता ही है। तो जब कभी कभी होता है नहीं कुछ बनाने, दाल चावल सब्जी कुछ बनाने का दिल नहीं करता, तो आप इस तरह से पुलाव बनाइए फटाक से, इसको कुकर में बनाओगे, सीटी लगाओगे, बहुत जल्दी, बार बार देखने का झंझट भी नहीं रहता। और आप दही, रायता, चटनी जिसके साथ आपको खाना पसंद है आप उसके साथ सर्व करके खा सकते हो। वैसे हमने इसमें दही डाल रखा तो दही की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी, तब तक के लिए हर हर महादेव।